जब मध्य प्रदेश की सरकार ने माफिया मुहिम शुरू की तो पहला झंडा और शंखनाद आपने जो है उसका वो किया, मन में कोई ऐसी भावना थी कि कितना बड़ा ये स्टेप होगा, इसका क्या साइड इम्पैक्ट आएगा, कभी कोई ऐसा फियर आपको मन में सताया कि इस तरह के अभियान में इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट लेने के पहले सोचना ना पड़े कि इसका अंजाम क्या होगा? टोटल फ्री है, टोटल डिस्क्रिशन बशर्त आप सही लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस तरह का जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट मिला है वो निश्चित तौर पे इस अभियान को एक अच्छी दिशा देने में और बड़ी बड़ी कार्रवाई करने में बहुत सहायक हुआ है। ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्या आप पर भी कभी कोई प्रेशर आया? रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ऐसा कोई इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर अभी नहीं आया है कि जहाँ पे इस ज़िले में हमें मुश्किल हो, और जनरली जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं, आपके वर्किंग स्टाइल समझते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर लोगों में ये विश्वास होता है कि जो काम सही है वो बिना बोले हो जाएगा और जो काम गलत है वो कहने से भी नहीं, करेक्ट सर, तो आई थिंक फिर जनरली इस तरह के प्रेशर से वो नहीं। आज गणतंत्र दिवस की बेला है और हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है, और ऐसे में इंदौर जिले को प्रशासनिक रूप से एक बेहतर कप्तान मिले हैं, कलेक्टर मिले हैं, जिनका नाम है लोकेश कुमार जाटव जी। आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनके लिए उनके जीवन में गणतंत्र के क्या मायने हैं, और इस गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी जनता को वो कौन सी बात है जो कि देने जा रहे हैं, इस राज पर से भी पर्दा उठाने वाले हैं। सीधी बात करते हैं डीएम साहब से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से, और हमारे दर्शकों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सर सवाल सवाल मेरे जहन में है, सरकारी सेवाओं को भी आप होम डिलीवरी देने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे तैयार किया, और क्या मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश के लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट जो है साबित होने वाला है? एक्चुअली विशेषकर इंदौर का, अगर हम इंदौर की जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसकी बात करें, right, यहाँ पे बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। exactly, बहुत सारे परिवार में जो कपल्स हैं वो भी वर्किंग है। right, sir. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शासकीय सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जी सर, लेकिन उनके टाइम के इशूज़ होते हैं और ऑफिस अटेंड करने होते हैं, तो कई बार हमारे ऑफिस में वो नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा शहर प्रोग्रेसिव हो रहा है, लोगों के लोग सोशियोइकोनॉमिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, जी जी, तो उनके लिए टाइम है वो प्रीमियम हो जाता है। उन्हें बहुत सारे लोगों को, आपको मुझको शायद लाइन में लगना पसंद नहीं होगा, एग्जैक्टली, तो हमें लगता है कि जो सेवा प्राप्त करना है हमारा अधिकार है, और बिना किसी इनकन्वीनियंस के अगर हमें सेवा प्राप्त होती है तो एक बहुत अच्छा सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरफेस होता है right, वो बहुत इम्प्रूव होता है। ओके okay. और जो गवर्नमेंट की जो इमेजिंग जो इमेज बनती है जी. वो भी काफ़ी पॉजिटिव और एक रिस्पॉन्सिव इमेज बनती है। एग्जैक्टली exactly. तो इन्हीं सब बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंसीव किया जी. क्योंकि इंदौर के लोग एडिशनल फी देकर एग्जैक्टली एक अतिरिक्त सेवा के रूप में होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग एक इस तरह का प्रोजेक्ट डिजाइन करें जहां पे कोई भी आवेदक बिना हमारे किसी ऑफिस के चक्कर काटे, फिजिकल रूप से प्रेजेंस हुए, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करे जी. और एडिशनल फी पे करे, और क्यों ना हमारा कोई व्यक्ति उनके घर पे जाके, उनके द्वार पे जाके जो सेवा है वो डिलीवर कर सके। बहुत अच्छी बात सर। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं सर, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो सरकारी सेवाएं जो घर पहुंचने वाली हैं, या कहा जाए बड़ी सौगात है जो इंदौर जिले को मिल रही है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 5 सेवाओं का चिन्हांकन किया है, जिसमें कानूनी बाध्यता के कारण आए प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हमारे जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं, जीवन खसरा नकल, इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु का हाफ एप्लीकेशन प्रमाण पत्र। ओके, ओके। जब ये 5 सर्विसेज थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी फिर हम लोग इसको और व्यापक रूप से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि इंदौर जिला इस पूरे मामले में एक आदर्श जो है आने वाले दिनों में प्रस्तुत करेगा। सर आगे बढ़ते हैं, आपने एक और नवाचार किया जिसके जरिए जो हमारे ग्रामवासी हैं उनका जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रशासनिक उनके जो कामकाज हैं वो तहसील स्तर पर ही निपटने लग गए, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, और कितना लाभ जो है इंदौर के ग्रामीण जनों को इसका मिल रहा है? सर ये क्या कॉन्सेप्ट है जनसुनवाई का? इंदौर की जो जनसंख्या है उसमें ऑलमोस्ट 10 लाख जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है, जो कि मध्य प्रदेश के कई जिले हैं उनकी कुल जनसंख्या है। करेक्ट सर। कई बार हम ये ओवरलुक कर देते हैं फिगर की एक बहुत बड़ी हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत होती है, जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं
डायरेक्शंस हैं कि जिस स्तर का काम है वो उसी स्तर पे होना चाहिए और लोगों को अनावश्यक एक से दूसरे कार्य के चक्कर नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक गुड गवर्नेंस की तकनीकी परिभाषा जो भी हो, लेकिन अगर हम बहुत एक सीमित और एक बहुत व्यवहारिक मायने में देखें तो इससे अच्छी परिभाषा गुड गवर्नेंस की नहीं हो सकती है। करेक्ट। लोगों के काम जिस ऑफिस से संबंधित है उसी ऑफिस में और एक निश्चित समय सीमा में हो। जी जी। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट है उसको रीडिफाइन किया है। ओके। एक जन आकांक्षा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से बहुत होती है, बिल्कुल प्रशासन से बहुत होती है। जी जी जी। तो उसी कीवर्ड को लेके हमने जन आकांक्षा नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। करेक्ट सर। और प्रत्येक मंगलवार को हमारे जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं जी। और जिस तरह से एक शासकीय कार्यालय होता है बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का स्वरूप है हमने ग्राम पंचायत को भी दिया है। ओके सर। कि ग्राम पंचायत में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और सचिव हैं, हमारे पटवारी हैं, अन्य कटिंग एज लेवल के अधिकारी हैं, तो प्रत्येक मंगलवार को 11 से 1 के बीच में अपने संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैठेंगे और ग्रामवासी जो शिकायत कर रहे हैं उस शिकायत का विधिवत वो अवलोकन करेंगे। उनसे संबंधित शिकायतें हो तो ग्राम पंचायत स्तर पे ही उसको निराकरण किया जाए। बिल्कुल। और अगर उनसे संबंधित नहीं हो तो संबंधित जो अधिकारी है उसको भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में दी गई है। चलिए, बहुत बड़ी बात है सर, ये हमारे ग्रामवासियों के लिए एक बड़ी खुश खबर है और मुझे लगता है आपकी ये जो पहल है ये मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी जो है एक इंस्पायरिंग जो है स्टेप माना जाएगा। सर, आप में ऐसी क्या खास बात है कि 18 सालों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद इंदौर जिले का उन्होंने चयन किया कि यहाँ पर झंडा वंदन करने के लिए वो आए हुए हैं और गणतंत्र दिवस पर एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो प्रशासनिक दक्षता है उसका जो है पूरा प्रदेश अब कायल हो गया है। आपने जो बड़े स्टेप्स उठाए या कहा जाए जो एक इतने दबाव में रहकर भी बड़े फैसले लेना, उन्हें अमली जामा पहनाना, कितना मुश्किल कितना आसान सर? लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, प्रेशर, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब हो, अलग अलग के प्रेशर से। जी जी जी। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा प्रेशर वही होता है जो सही काम करने के लिए, कम से कम समय में काम करने के लिए मोटिवेट करे, तो उस तरह के सारे प्रेशर्स को मैं बहुत ही वेलकम करता हूँ। और पूरे शहर के लिए, इंदौर ज़िले के लिए सम्मान की बात है कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और होम डिलीवरी के साथ साथ जो एक नई सौगात मिल रही है लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल। सर, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है, जो खेल भावना है, ये कितनी काम आती है, क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं और उसके साथ में एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, कैसे ये जो है आपको हेल्पफुल लगती है आपकी जो रोज की कार्य? क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कम खेलता हूं, okay. मैं टीम स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि एक अच्छी टीम बिल्ड करने का महत्व क्या होता है। और टीम लीडर जनरली सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास अच्छी टीम, एक संगठित, एक ऊर्जावान टीम नहीं हो काम करने के लिए, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और टीम को कई बार आपको पैम्पर करना पड़ता है और जो लोग कुछ पीछे हैं उनको थोड़ा सा और अतिरिक्त उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती होती है। लेकिन अगर डायरेक्शंस क्लियर हैं और एक बार उनको टारगेट दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि टीम आपके साथ जुड़ के काम करती है और अपनी क्षमता के अनुरूप काम करती है। और मुझे लग रहा है कि एज अ टीम लीडर मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मेरे टीम के प्रत्येक सदस्य को हम लोग सुनिश्चित कर पाएं कि उनकी जो बेस्ट एबिलिटी है उस क्षमता के आगे जाके लोग काम करें। बिल्कुल, करते भी। सर, इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्या आप पर भी कभी कोई प्रेशर आया? एक्टिविटीज बहुत है, हैपनिंग्स बहुत हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत हैं, कभी ऐसा कोई ऐसा इवेंट आया आपकी अब तक के कार्यकाल में? आई मीन रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ऐसा कोई इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर अभी नहीं आया है कि जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट ज़िले में हमें मुश्किल हो। और जनरली जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं, आपके वर्किंग स्टाइल समझते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अगर लोगों में ये विश्वास होता है कि जो काम सही है वो बिना बोले हो जाएगा और जो काम गलत है वो कहने से भी नहीं। करेक्ट सर। तो आई थिंक फिर जनरली इस तरह के प्रेशर से वो नहीं। सर, बहुत बड़ी बात, हमारा जो इंदौर है ये लकी है कि हम 3 बार जो है स्वच्छता में के मामले में हैट्रिक बना चुके हैं, 4th बार भी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में आपके प्रशासनिक कप्तान रहते जो है हम इसे भी हासिल करेंगे, इस तमगे को। इंदौर को आप सर साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया भी बनाना चाह रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और क्या वाकई में इंदौर की जनता और हमारा सिविक सेंस ये अलाउ करेगा कि हम जो है हॉर्न को जो है उससे परहेज करें, साइलेंट सिटी बनकर दिखाएं, एक ऐसे स्पिरिट तैयार हुई सर? इंदौर के लोगों ने, इंदौर को ग्रामीण क्षेत्र में जब स्वच्छता अभियान चल रहा था जी, तो जी, पूरे देश में दूसरा जिला था बिल्कुल से शौच मुक्त हुआ। जी जी जी। बिल्कुल। इसी को कंटिन्यू करें तो नगरीय क्षेत्र में
जो इंदौर नगर निगम के रहवासी है उन्होंने पुरजोर कोशिश की, जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की, अधिकारियों ने मेहनत की और पूरे कम्बाइंड एफर्ट से लगातार 3 साल से स्वच्छता में नंबर एक है। और जिस तरह का एक लोगों का एक जुड़ाव हो गया है और लोग इंदौर के नागरिक होने में फख्र महसूस करने लगे, एक सेंस ऑफ प्राइड आ गया है और फिर शहर से की प्रति एक लगाव आ गया है। करेक्ट सर, मुझे लग रहा है ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ 6 सालों में। और जिस तरह से इंदौर के लोग अपने शहर के हित में सोचते हैं, मैं आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम लोग सफाई में नंबर बनाएंगे। साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया कैसे बनेगा इंदौर, ये सपना कैसे आप साकार करेंगे? बड़ा चैलेंज भी है सर, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए क्या कोई स्पेशल एक्शन प्लान भी आपके मन में है, आपने तैयार किया? इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जनरली जो पर्यावरण से संबंधित इश्यूज होते हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए लोग उनसे जुड़ने के लिए बहुत ही सीमित तबका होता है जो अवेलेबल होता है या जो आगे आता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने ये सोचा कि इंदौर जिले की जो वर्तमान सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या वो है ट्रैफिक की है। करेक्ट सर। तो कैसे हम ट्रैफिक और एनवायरनमेंट के इश्यूज को क्लब करते हुए, कंबाइन करते हुए पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको हम लोग बढ़ाएं ताकि हम लोग एक ही अभियान का नाम लेके हम दो दो चीजें सॉल्व कर सकें। ग्रेट। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया और फिर ये प्लान किया कि इंदौर के लोग इतने जागरूक हैं, शहर इतने हमेशा आगे आते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्यों ना ये जो शहर की जो ऊर्जा है उसको एक अलग दिशा में चैनलाइज करके इंदौर शहर को हमारे देश की पहले साइलेंट सिटी बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम हमने करीबन 14 ऐसे जोन्स हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रहते हैं वहाँ पे हॉकिंग ना हो उनको हम साइलेंट जोन बनाएं। इसके अतिरिक्त अभी जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न एनजीओज हैं, उनसे हमारी चर्चा चल रही है। उदाहरण के लिए कि आजकल शादियों में डीजे का बहुत ज्यादा करेक्ट सर, करेक्ट। और जिस वॉल्यूम के उपयोग होता है कई बार जब मार्च अप्रैल के महीने में बच्चे उस समय पर न्यूसेंस होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो कई सामाजिक संगठन आ गए हैं, उन्होंने रुचि दिखाई कि वो इस तरह का प्रस्ताव अपने समाज में पारित करेंगे कि हमारी शादियों में डीजे रात के 10 बजे के बाद नहीं बजेगा और बजेगा भी तो परमिसेबल लिमिट में बजेगा। तो इस तरह के प्रयास से जो लोग आगे आ रहे हैं बहुत बढ़िया। और मेरा ऐसा सोचना है कि साइलेंट सिटी बनाना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इंदौर के लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा उसके हमारी मुश्किलें कम कर देगा। चलिए, बहुत बड़ी बात सर ने कही, एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज सर ने अपने कंधों पर लिया और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसे भी साकार करके दिखाएंगे क्योंकि हम इंदौरी हैं और हमारे पास है एक खेल भावना वाले, खिलाड़ी भावना वाले कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव जी। सर, आपके बारे में लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया जब आप इंदौर आए तो लोगों ने कहा कि आप कैसे प्रशासनिक कप्तान बनेंगे, क्या फैसले लेंगे, लेकिन आपने जब मध्य प्रदेश की सरकार ने माफिया मुहिम शुरू की तो पहला झंडा और शंखनाद आपने जो है उसका वो किया। मन में कोई ऐसी भावना थी कि कितना बड़ा ये स्टेप होगा, इसका क्या साइड इंपैक्ट आएगा, कभी कोई ऐसा फियर आपको मन में सताया या आप जो है निडर होकर जो कहते हैं ना कर्मणाय वाघी का रस्ते मा फलेषु कदाचन और आगे बढ़ गए? कलेक्टर होने के नाते जो जिला मजिस्ट्रेट की मेरी जो जिम्मेदारियां हैं सर उसका एक बहुत बड़ा पहलू था और मैं अपने जो मेरी टीम है उनसे मैं हमेशा इस ये शेयर करता हूँ कि हम सब अपनी सर्विसेज की एक बहुत ही हाई टाइम में काम कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के अभियान में इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट एक्शन लेने के पहले सोचना ना पड़े कि इसका अंजाम क्या होगा। टोटल फ्री है, टोटल डिस्क्रिशन बशत आप सही लोगों पर कार्यवाही कर रहे हैं। तो उस तरह का जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट मिला है वो निश्चित तौर पर इस अभियान को एक अच्छी दिशा देने में और बड़ी बड़ी कार्यवाही करने में बहुत सहायक हुआ है। और ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी टीम ने एक यूनिटी ऑफ थॉट थी कि इस जो CM साहब का उद्देश्य है, जो सोच है कि पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त करना है और इंदौर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। तो निश्चित तौर पे पुलिस ने, नगर निगम ने, रेवेन्यू की टीम ने, मीडिया ने बहुत कोऑपरेट किया है और एक जॉइंट एफर्ट का जो परिणाम है वो आपके बहुत बड़ी बात है। सर, आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट में कहा जाता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके हर डिसीजन की टाइमिंग एकदम एग्जैक्ट होती है, एकदम करेक्ट होती है और सर आप टाइम पंक्चुअल भी हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं? इसके लिए क्या फैमिली का सपोर्ट मिलता है? हर मीटिंग में जो है समय से पहले पहुंच जाते हैं और जो कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुँचते उन्हें आप हिदायत भी देते हैं? हाउ यू कैन मैनेज द टाइम स्पिरिट? आई थिंक एफिशिएंसी का सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जिसमें समय की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितना ज़्यादा एफिशिएंटली अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे उतने ज़्यादा आपका जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। दूसरा, आई थिंक इसकी जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो मेरे स्कूल टाइम से शुरू हुई थी, बिकॉज मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा हूँ, तो एक जो आर्मी का एक जो डिसिप्लिन था वो कहीं ना कहीं वो मन में मतलब इंग्रेंड हो गया है।
और फिर उसी को प्रयास करते हैं कि जब अच्छी एक अच्छी चीज़ सीखी है क्यों ना उसको प्रोफेशनली भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सारा समय लिया। इंदौर सर फेस्टिवल की सिटी कहा जाता है, यहाँ हर त्यौहार को बड़ी जिंदा दिली के साथ मनाया जाता है। आप कब फैमिली को टाइम दे पाते हैं? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि इंदौर कलेक्टर बनने के बाद आपने बहुत दिल से, बहुत सुकून से, बहुत संतुष्टि के साथ परिवार के साथ वो समय बिताकर मनाया? इंदौर में जो पहला, मतलब मुझे लग याद आ रहा है कि जो पहला किसी इवेंट में पब्लिक पार्टिसिपेशन था अपनी फैमिली के साथ, आई थिंक वो गेर था। ओके। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जिस इवेंट के बारे में हमने सिर्फ वीडियोस सुने थे या खबरें सुनी थी, उस इवेंट को इसने नज़दीक से उसको मैनेज करने का मौका मिला और उसको एक एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इतने सारे लोग, हर वर्ग के, हर आयु के, महिला पुरुष, कोई भेद नहीं, कोई भाव, कोई डिफरेंस नहीं। और जब आपको इतना बड़ा हजूम दिख रहा है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, करेक्ट सर, हमें फोर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ता। लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोग जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल इवेंट है और वर्ल्ड वाइड मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर एक इसमें आइडियल है। और उसमें फिर जो रंगों की छटा जो बिखरती है वो अपने आप में देखने लायक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम कैसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करा सकें, उसकी एक तरह से ब्रांडिंग करें ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर ये हम कर पाते हैं तो पूरे शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बड़ी बात है सर। आप सर इलेक्शन के भी मास्टर माने जाते हैं, निर्वाचन क्या क्रियान्वयन कोई सीखना हो तो वो आपसे सीख सकता है, क्योंकि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रहने का भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन में रहने का भी एक्सपीरियंस है। आने वाला समय सर कुछ ऐसा ही चैलेंज लेकर आ रहा है, नगर निगम के इलेक्शन है, पंचायत के हैं, कितना तैयार है हमारा जिला प्रशासन और प्रशासनिक संकुल में क्या हलचलें हैं इन दिनों निर्वाचन प्रक्रिया को निर्बाध जो है संपन्न कराने के लिए? हमारी जो निर्वाचन की टीम है पूरी तरह से तैयार है और पिछले एक साल में जो दो इलेक्शंस हुए हैं वो काफ़ी अभ्यस्त भी है। चूंकि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो स्थानीय स्तर पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो चुनौतियाँ उसकी रहती हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में प्लानिंग की थी उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा और हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि स्थानीय जो निर्वाचन होते हैं वो भी पूरी तरह से पीसफुल हों, ट्रांसपेरेंट हों। सर अब जब इंदौर आए थे, आपने डीएम की कुर्सी संभाली थी, जब आप मिस्टर कूल कहे गए थे, आज आप इन दिनों मास्टर ब्लास्टर कहे जा रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा चॉइस आप करना चाहेंगे सर? ये जो इंदौर की जनता का टैगलाइन है, ये तो लोगों का एक व्यू पॉइंट है, जी मैं छोड़ते हैं, लेकिन इंदौर में आके मैंने खुद ने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है और इंदौर के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो एक अच्छी बात मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगती है, मैं बार बार उसको जो भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर उसको रिपीट करता हूँ, कि इंदौर के लोगों में एक अलग तरह की ऊर्जा है। ओके। और मे भी शायद स्वच्छता के कारण शहर से जो लगाव है, जो जुड़ाव होता जी, है जी, जी। उसकी भावना अब और आई मीन और फ्रंट पर आता है, बिल्कुल ठीक बात अभिव्यक्त होती है जी जी। और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए जो लोग कुछ अच्छे पद पर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं या अच्छी कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, तो इंदौर के शहर के लोगों के लिए, शहर के हित में जो लोग एक तरह की जो पे बैक की भावना है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है। और मुझे लग रहा है कि यही एक ऊर्जा है, यही एक पैशन है लोगों में, करेक्ट, जो इस शहर को आगे ड्राइव करेगा और प्रॉस्परस बनाएगा। बहुत बड़ी बात है। हम गणतंत्र दिवस की बेला पर बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके लिए गणतंत्र के मायने क्या हैं, आपके लिए देशभक्ति क्या है सर, कैसे आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, और बीइंग ए आईएएस ऑफिसर किस तरह से जो है आप इस फेस्टिवल को मनाते हैं, चाहे रिपब्लिक डे की बात करें, हमारे इंडिपेंडेंस डे की बात करें? आई मीन देशभक्ति के लिए मेरी तो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, बिल्कुल, तो इससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका देश के लिए कभी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप में एक ब्रेवरी का भाव आए, एक सेना में जाने का भाव है, उसी से आप इंस्पायर हो, आप जिस कैपेसिटी में हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, आप समाज को आप क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज के जो पीड़ित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए आप क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अगर हम उतना ही काम करें तो मुझे लगता है इससे अच्छा देशभक्ति भाव किसी को नहीं हो सकता। सर जाते जाते एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए, इंदौर की प्यारी सी जनता के लिए, मध्य प्रदेश की हमारी ऑडियंस के लिए क्या खास संदेश होगा इंदौर के सम्माननीय डीएम श्री लोकेश यादव जी का? इंदौर के लोगों से मेरी यही अपील है, आपके दर्शकों से मेरी यही अपील है कि शहर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, परसेप्शन अच्छा हो या बुरा हो वो लोगों से ही बनता है, बिल्कुल। और इंदौर शहर के लोग मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस शहर को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, नए मुकाम पे लेके जाएंगे, हमारे शहर की, इंदौर का जो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि बन रही जी, है जी, जी, आने वाले समय में हमारा शहर लोगों के पार्टिसिपेंट से और ऊंचाइयां तय करे और ऊंचाइयां देखे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने समय दिया। तो ये है
किस तरह से जिंदा दिल्ली के साथ इंदौर के प्रशासनिक कप्तान भी हैं और जिनका नाम सुनते ही माफियाओं को लगता है डर और अच्छे अच्छे गुंडों का छूट जाता है पसीना, कुछ ऐसी कार्यशैली के साथ एक सफल प्रशासनिक कप्तान के रूप में पहचाने जा रहे हैं लोकेश कुमार जाटव जी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 18 सालों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को चुना कि वो यहाँ पर झंडा वंदन करें, देश की प्रदेश की जनता को यहाँ से संदेश दें और गणतंत्र दिवस के क्या हैं सही मायने वो यहाँ से उन्हें बता पाएं। और उम्मीद करते हैं कि इंदौर आने वाले दिनों में एक और कीर्तिमान स्थापित करेगा और जिस तरह से शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा की एक पहल जो है इंदौर जिला प्रशासन ने शुरू की है, इसकी सराहना न केवल मध्य प्रदेश पूरे राज्य में बल्कि हमारे हिंदुस्तान देश में भी होगी, जो कि सही मायनों में मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते ऐसा मैं अनुभव करता हूं कि सच्ची देशभक्ति होगी जो कि जनसेवा के रूप में अभिव्यक्त होगी। सर, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें हमारे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एमपी न्यूज़ का ये स्पेशल सेगमेंट गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2020 को आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।